हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यूज़। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेनरिक क्लासन के बारे में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच के बारे में, देन कोलकाता नाइट राइडर्स के क्वालिफिकेशन के बारे में। और ही बहुत कुछ आपको आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सबसे पहले बात करने वाले हेनरिक क्लासन के बारे में। हेनरिक क्लासन सेड इट वाज नॉट ग्रेट एम्पायरिंग आफ्टर अ फ्यू हावर्स हैज बीन फाइंड 10% ऑफ मैच फीस फॉर ब्रीचिंग द आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट। देन एक और ट्वीट सामने आया था, हेनरिक क्लासन फाइंड 10% ऑफ हिज मैच फीस फॉर क्रिटिसाइजिंग अंपायरिंग्स ऑन डिसीजंस। तो हां गाइस, हेनरिक क्लासन के ऊपर 10% का मैच फीस का जुर्माना लग चुका है। ऐसे बताया था कि जब अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया था, तब वो जाके गुड एम्पायर से बातचीत कर रहे थे, जिसके चलते आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उन पर 10% फीस का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट बात करने वाले केएल राहुल के इंजरी अपडेट के बारे में। एक फोटो सामने आया है, आप देख सकते हैं कि इस फोटो में केएल राहुल स्टिक्स के सहारे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि सर्जरी बिल्कुल सही से हो चुकी है, देन वो अभी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। देन इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा गया, गेट वेल सून केएल राहुल। सो हां, हम सबको उम्मीद है कि केएल राहुल जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और जल्द से जल्द टीम इंडिया में बैक कर सके। नेक्स्ट बात करने वाले यशस्वी जायसवाल के बारे में। जायसवाल ने ट्विटर पर ट्वीट शेयर किया था, आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम प्लेयर्स लाइक एमएस धोनी, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, देयर इनपुट्स हेल्प्ड अ लॉट। इन्होंने ट्विटर पर बताया है कि मैं हमेशा से कुछ सीखने की कोशिश करता हूं एमएस धोनी जैसे प्लेयर्स से, विराट कोहली से, रोहित शर्मा से। इनकी मिली सीख को मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब करता हूं, देन अप्लाई करता हूं, देन ताकि मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकूं आगे के मैचेस के लिए भी। ऑब्वियसली गाइस, यशस्वी जायसवाल आने वाले उभरते सितारे टीम इंडिया के लिए, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बैक टू बैक मैचेस में। नेक्स्ट बात करने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर हैज लॉज्ड अ पुलिस कंप्लेंट ओवर हिज नेम, फोटो एंड वॉइस बीइंग यूज्ड इन फेक एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द इंटरनेट टू ड्यूप पीपल। सो सचिन तेंदुलकर ने कुछ लोगों के खिलाफ कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन में, अगेंस्ट उनके फोटोज, उनके वॉइस को गलत जगह पे यूज किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके उनके फोटोज के तहत। इस चीज को रोकने के लिए सचिन तेंदुलकर ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, केस फाइल किया उन लोगों के खिलाफ। अब देखना है कि वो कौन कौन से लोग हैं और किसका चेहरा सामने आता है इस चीज में। नेक्स्ट बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। कोहली हैंड्स द हैदराबाद क्राउड इन फ्रंट ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स डग आउट। सो गाइस, लखनऊ वर्सेस हैदराबाद का जो मैच था, जब गौतम गंभीर ग्राउंड से वापस बाहर निकल के आ रहे थे, तो सारे लोग उनको देख करके कोहली चीयर करने लगे थे। साथ ही एक वीडियो भी वायरल हो रहा, जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सारे लोग गौतम गंभीर को देख करके कोहली का नारे लगा रहे हैं। नेक्स्ट बात करने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स के क्वालिफिकेशन के बारे में। केकेआर रियलिस्टिक क्वालिफिकेशन सिनेरियो। तो गाइस, एक समीकरण निकल के बाहर आ चुका है, अगर केकेआर हराती है चेन्नई सुपर किंग्स को, देन लखनऊ सुपर जायंट्स को, तो पहुंच जाएगी 14 पॉइंट्स। देन उसके बाद आरसीबी हराती है राजस्थान रॉयल्स को, गुजरात टाइटंस हराती है हैदराबाद को, मुंबई इंडियंस हराती है लखनऊ सुपर जायंट्स को, दिल्ली कैपिटल्स हराती है पंजाब किंग्स को, एसआरएस हराती है फिर आरसीबी को, पंजाब किंग्स हराती है अगर राजस्थान रॉयल्स को, देन जीटी हराती है आरसीबी को, देन फाइनल स्कोर होगा केकेआर एंड पंजाब किंग्स बोथ विल बी एट 14 पॉइंट्स आफ्टर दिस मैच। तो इसके बाद गाइस नेट रन रेट देखा जाएगा। तो ये कुछ समीकरण के लिए सामने आया, अगर ये सब कुछ होता है तो केकेआर के क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, देन पंजाब किंग्स के रन रेट अगर कम होगा केकेआर से, तो केकेआर क्वालिफाई कर सकती है आईपीएल 2023 के लिए।